यूट्यूब चैनल एम रेलवे में एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द डिले। एक्चुअली मेरा गला इतना ख़राब था, इस वजह से मैं 3 दिन तक रिकॉर्ड नहीं कर पाई। आज हम पढ़ेंगे पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में। पोस्ट गुप्ता पीरियड में नॉर्मली हम सिर्फ हर्षवर्धन के बारे में पढ़ते हैं, वहीं पर इम्पॉर्टेंट है हर्षवर्धन का इम्पॉर्टेंट है पार्ट। देखो इस तरह से जो है, जब गुप्ता पीरियड ख़त्म हुआ, मैंने कहा था ना लास्ट गुप्ता कौन था, भानुगुप्त वॉज द लास्ट किंग ऑफ द गुप्ता एम्पायर। जैसे ही गुप्ता एम्पायर ख़त्म हुआ, बाद में इस तरह से पूरा जो नॉर्थ इंडिया है अलग 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 जो है छोटे 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 डायनेस्टी में बढ़ गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्धनास के बारे में। ठीक है, वर्धनास में जो था पुष्यभूति ने अपनी खुद की डायनेस्टी बनाई थी। ये जो पुष्यभूति था, इसी का प्रधान था भानुगुप्ता का प्रधान था। फिर उसने भानुगुप्ता के बाद जो है अपनी खुद की वर्धनास की एक डायनेस्टी बनाई, और वही फाउंडर था पुष्यभूति। पुष्यभूति जो है उसने दो अपने एक टाइटल अज्यूम कर रखे थे, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, सिर्फ हर्षा के बारे में पूछा जाता है तो हर्षा का ही पढ़ेंगे हम। इतना ज़्यादा इसमें बस इतना पूछा जा सकता है कि वर्धनास डायनेस्टी या फिर पुष्यभूति डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, तो नाम में ही छुपा है, पुष्यभूति उसका फाउंडर है। ठीक है, बहुत ही अजीब यू नो काइंड ऑफ टंग ट्विस्टर नाम है, अगर मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत किया तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो पुष्यभूति ने जो है क्या किया था, अज्यूम क्या किया था, टाइटल ये था परम भाटकरा। ठीक है, परम भाटकरा और महाराजाधिराजा। ठीक है, महाराजाधिराजा इस तरह से। जैसे कि हमारा जो चंद्रगुप्त टू था, उसने क्या किया था, विक्रमादित्य करके अपनी शाखा डायनेस्टी के जो किंग थे उनको हरा कर विक्रमादित्य ऐसे टाइटल लिया था। जैसे हम लोग कैसे टाइटल देते हैं, कोई हम सचिन तेंदुलकर को कुछ टाइटल दे दिया, या फिर यू नो बहुत सारे हीरोज़ को अलग अलग टाइटल होते हैं, है ना, बहुत सारे टाइटल होते हैं ना, मुझे अभी एक भी टाइटल याद नहीं आ रहा है। देखो वो हम कहते हैं ना जूनियर NTR वगैरह, ऐसे मतलब लाइक काइंड ऑफ टाइटल नेम जिससे आपको सब कुछ पता चल जाता है। ठीक है, गांधी जी कैसे कहा करते थे किसके बारे में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, कि आज़ाद शत्रु, एक टाइटल दे दिया गया। ठीक है, गांधी जी के बारे में बापू जी। अब आज़ाद शत्रु का मीनिंग होता है जिसका कोई भी शत्रु नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया था, इवन KBC में भी पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए फिर बैक टू आवर क्लास। पुष्यभूति के दो बेटे थे। ठीक है, एक का नाम था राज्यवर्धन और एक का था हर्षवर्धन, और बेटी थी राजश्री। राजश्री की शादी जो थी वो गर्ववर्मना से की गई थी। ठीक है, और ये जो उसका क्या कहते हैं, सन इन लॉ था। ठीक है, वो सन इन लॉ और राजश्री वेस्ट बंगाल के साइड में रहते थे ये लोग। और एक दिन ऐसा हुआ कि गर्ववर्मन को मार दिया गया। किसने मारा, मालवा के किंग ने मारा, और मालवा के किंग ने मारा। तो मालवा के किंग से लड़ने के लिए राज्यवर्धन गया। ठीक है, वहाँ पर मतलब काइंड ऑफ अपने बहन को बचाने के लिए गया, वहाँ पर गया, मालवा को उसने हराया, बहन को लेकर वो वापस आ रहा था। कहाँ आ रहा था, हर्ष जो थे वर्धनास की, ये यहाँ पे थी इनकी पूरी की पूरी, ये जो ग्रीनिश कलर का आपको सब कुछ दिखाई रहा, पंजाब वगैरह, तो ये सब कुछ जो था ये लेट गुप्ता का पीरियड सारा का सारा जो था वर्धनास के अंडर आता था। ठीक है, वापस आ रहा था वो। वापस आने के बाद रास्ते में ही जो है रास्ते में शशांक करके था, शशांक जो था किंग ऑफ गौड़ा, गौड़ा मतलब अभी का वेस्ट बंगाल। तो ये शशांक ने क्या किया कि उसकी बहन को उठा लिया और राज्यवर्धन को मार दिया। ठीक है, मतलब जब पुष्यभूति, ठीक है, पुष्यभूति मरा तो राज्यवर्धन ही किंग बना था, लेकिन अपने बहन को बचाने के लिए वो बेचारा गया, उसने लड़ाई की मालवा से, उसको लड़ने के बाद वो वापस आया, और मतलब जीत कर वापस आ रहा था। रास्ते में ही जो शशांक है उसने उसके बहन को देखा, उसे वो अच्छी लगी, वो उठाकर लेके गया। ठीक है, फिर राज्यवर्धन ने फिर से उससे लड़ाई की, और जो है फिर शशांक ने उसे मार दिया। ठीक है, शशांक के मरने के बाद जो है हर्षवर्धन गद्दी पे आया। ठीक है, हर्षवर्धन के बारे में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो हर्षवर्धन हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हर्षवर्धन गद्दी पर आया, और हर्षवर्धन ने डिफीट किया था पुलकेशिन टू को।
हर्षवर्धन वॉज डिफिटेड बाय पुलकेशिन टू द चालुक्य किंग ऑफ बदामी। मैंने बताया था जब हमने संगम डायनेस्टी पढ़ी थी तो मैंने कहा था कि पुलकेशिन टू इतना बढ़िया क्या कहते किंग था कि उसने नॉर्थ नॉर्दर्न साइड को भी अक्वायर किया था गंगा पार करके। मैंने बताया भी था ये बात, मैंने ये भी कहा था कि मिडिवल इंडिया में भी लोग नहीं कर पाए। अलाउद्दीन खिलजी भी साउथ में आने के लिए डरता था बिकॉज यहाँ का जो वेदर था, वेदर नहीं कह सकते लेकिन सतपुरा विंध्याचल पर्वत पार करना, फिर नर्मदा पार करना, ताप्ती पार करना, गंगा पार, गंगा या यानी गोदावरी, यहाँ की गोदावरी पार करना, इसमें जो है इतनी ज़्यादा उनके पास टेक्नोलॉजी काइंड ऑफ थिंग या फिर उतना ज़्यादा यहाँ का मैप उनको क्लियर नहीं था। मैंने ये बताया है, ठीक है। तो इस तरह से तो हर्षवर्धन गद्दी पे बैठा। हर्षवर्धन का एक कवि था बाणभट्ट करके, उसका भी हर्ष चरित्र लिखा था उसने। तो वो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है बच्चों, तो प्लीज़ ये नोट डाउन कर लेना। जिसने PDF लिया है उनको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने लिख कर दिया है आपको, लेकिन जिसने नहीं लिया है बच्चों उन्हों नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और चाइनीज पिलिग्रम ही आया था ह्यून सैंग करके। कौन? ह्यून सैंग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हिज रीन। किसके रीन में? हर्षवर्धन के रीन में। और हर्षवर्धन जो है 647 AD में जो है मर गया, ठीक है। इस तरह से अब हमने ये चालुक्य किंग ऑफ बदामी और द पल्लवास हमने पढ़ रखा है ना संगमा डायनेस्टी में, तो एज सच कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं था हमें। सिर्फ इतना पोस्ट गुप्ता में मैंने कहा ना, सिर्फ हर्षवर्धन ही इम्पोर्टेंट है। आपने अगर मेरी नोट्स नहीं ले रखे है कोई बात नहीं, आपके पास कोई भी नोट्स होंगे उससे पढ़ लेना, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ लेना, ज़्यादा मत पढ़ना। हाँ, अगर मेरे नोट्स ले रखे हो तो पूरा का पूरा रिवाइज कर लेना बच्चों। और जो है देखो, अब हमने एंशंट ख़त्म कर दिया है, अब मेडिवल इंडिया स्टार्ट करेंगे, मेडिवल इंडिया हिस्ट्री। बीच में बुद्धिज्म जैनिज्म हम कभी तो ले लेंगे, ठीक है, ऐसा, वरना फिर ऐसे बुद्धिज्म जैनिज्म लेंगे सेपरेटली तो मिडिवल ख़त्म करने बहुत टाइम लग जाएगा। तो मिडिवल हम खत्म जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। मिडिवल में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली सल्तनत के ही बारे में पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर मिडिवल के थोड़ा, फिर मॉडर्न, जब हम पोस्ट मिडिवल के बाद हम अकबर के बारे में वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह से पूरा कहानी की तरह पढ़ेंगे आप। मिडिवल जो है, मिडिवल हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मॉडर्न हिस्ट्री से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मिडिवल है। तो हम सब कुछ पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।